हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुष्या है और आज मैं आपके साथ मेडिकल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो लेवल 6 स्टेशन मास्टर का था, जो आपके अपकमिंग लेवल 5 गुड गार्ड्स का जो मेडिकल रहेगा उसमें आपको हेल्प मिलेगा इससे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स को एक्चुअली मैंने पॉइंट्स को नोट डाउन कर रखा है ताकि मुझे अगर मैं कुछ भूल जाऊँ तो मैं मिस ना हो, तो मैंने कॉपी में लिख रखा है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपको कौन से हॉस्पिटल में जाना है रेलवे का। तो आप जिस दिन डीवी के लिए जाओगे ना, तो उस दिन आपको वहाँ पे उन लोग आपको एक स्लिप दे देंगे जिसमें आपका लोकेशन लिखा रहेगा। आपको वो स्लिप लेके जाना है ताकि, क्योंकि आप मेडिकल जब हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको वो देना पड़ेगा वहाँ पर। तो उसमें लिखा रहेगा, आपको सुबह वो 8 बजे का टाइमिंग बोल देंगे और आपको लोकेशन लिखा रहेगा। अगर आपका ज़्यादा दूर डिस्टेंस है तो वो आपको बता देंगे कि एक दिन का बीच में गैप दे देंगे। अगर आपका पास में नज़दीक में है, उसी जगह पे है, तो आपको वेरी नेक्स्ट डे आपको भेज दिया जाएगा उस दिन का डे। एक्सरे रूम में जाने के बाद फिर वहाँ पे बहुत लोग रहेंगे ना, तो टाइम लगता है। जैसे ECG करने में भी 10 मिनट से ज़्यादा लग रहा था, मतलब टाइम लग रहा, टाइम टेकिंग था। तो फिर हम लोग बैठे रहते थे, फिर उसके बाद ऐसे करने के बाद ये ओवरऑल हो गया, ये सारा हो गया। तो लेकिन गर्ल्स के लिए एक बात बोलूँगी कि अगर एक्सरे में ना हमारे मेल थे, मेल वहाँ पे थे, तो उन्होंने बोला कि फीमेल आ जाएंगे तब आपका हो जाएगा, लेकिन कोई फीमेल आए नहीं, तो फिर हमारा मेल ही नहीं किया। तो हमारे साथ, मेरे साथ जो और बंदियाँ थी उनके उनके साथ फीमेल साथ में थे, तो वो कोई साथ में जाके अगर मैं हूँ तो मेरे साथ एक कोई आके रह लेते थे। तो और मुझे दुपट्टा वहाँ पे थोड़ा अनकम्फर्टेबल आप हो जाओगे ना, तो आप दुपट्टा कैरी कर सकते हो, या फिर आप कोई थिन पतली सी सलवार आप रख सकते हो। तो इससे क्या होगा ना कि आप थोड़े कंफर्टेबल रहोगे अगर कोई मेल इन केस ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो। और ECG में तो फीमेल ही थे हम लोग हमारे, और शायद रहते हैं हर जगह फीमेल ही रहते हैं, तो एक्सरे वाले में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ, लेकिन कोई दुपट्टा था तो कुछ अनकंफर्टेबल नहीं हुआ। तो इसलिए आप याद से दुपट्टा रख लेना इन केस आपको ज़रूरत पड़ सके। तो ये वाला था। इतना होने के बाद ये होते होते पूरा शाम हो गया, क्योंकि बहुत एक का होने के बाद नेक्स्ट निकलते हैं, नेक्स्ट होने के बाद बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, तो आपका शाम हो जाएगा वैसे करते करते। और जो दूसरे बैच थे ना, दूसरे ग्रुप थे ना, जो 10 लोगों का उनकी मैम थी, उन्होंने ना उसी दिन साथ साथ में आई चेकअप भी स्टार्ट कर दिया था। जैसे हमारे डॉक्टर ने हमें नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे बुलाया था ना कि आज आप ये सब कर लो, बाकी जो भी होगा वो नेक्स्ट डे ही करना, बट वो मैम ने उसी दिन स्टार्ट कर दिया था। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का आई टेस्ट बाकी रह गया, तो उनको नेक्स्ट डे बुलाया गया। तो बाकी सभी को नेक्स्ट डे बुलाया गया, क्योंकि वो सारे रिपोर्ट चेक करते हैं, अप्रूवल देते हैं, तो उनको टाइम लगता है, तो इसलिए उन्होंने फिर नेक्स्ट डे बुलाया। उसी दिन फर्स्ट डे सारा क्लियर नहीं हुआ हमारा, तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे पहुँचे, तो 7 बजे ही डॉक्टर आ गए थे हमारे। फिर डॉक्टर एक के बाद एक करके सब सारे को बुला रहे थे। तो और जो हमारा जो एक्सरे वगैरह होगा ना, तो वो हमारे को इंस्टेंट उसी वक्त दे दिया जा रहा था हाथों हाथ। एक्सरे ECG का रिपोर्ट हमारे हाथ में ही था, ठीक है। तो और फिर ब्लड रिपोर्ट ये सब भी वो लोग लिख के वगैरह सब दे रहे थे, तो वो हमारे हाथ में था। तो नेक्स्ट डे जब डॉक्टर के पास जाने के बाद आई चेकअप के लिए, तो डॉक्टर वो ले रहे थे आपसे ऑर्डर। लेने के बाद फिर वो आपको बैठा देंगे, जितने डिस्टेंस पे बैठाना होता है, सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, जितने डिस्टेंस पे आपको बैठाते हैं ना, मतलब जनरली 6x9 देखने के लिए, तो हमारे को भी उतने ही डिस्टेंस में बैठाया गया था। और एक चश्मा, जैसे ये चश्मा है वैसे चश्मा पहना दिया गया, लेकिन वो बीच में ये शीशा नहीं रहेगा। और एक लेफ्ट में एक कागज को लगा दिया गया ताकि वो हो जाए, बंद हो जाए, और एक से देखने को बोला। तो मेरा तो दोनों आँखों में 6x9 था, तो मैं ईजिली देख पाई, तो मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और वो सी दिखा रहे थे, और सी के पीछे से वो रोटेट करते थे, चार तरफ कर रहे थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो फिर वो बहुत ईजी था, तो वो आपको देख के बोलेंगे कि वो किधर पे डायरेक्शन है, कहाँ पे कटा हुआ सी है, तो आप बता दोगे ऊपर है नीचे है, क्योंकि थोड़ा दूर डिस्टेंस रहता है ना, तो आपको बोलेंगे इशारा से बताने के लिए, तो आप इशारा से बता दोगे नीचे है, दाएं है, बाएं है, तो ऐसे आप बता दोगे। और फिर एक आँखों से चार चार डायरेक्शन पूछेंगे,
फिर उसको उसमें से वो कागज़ निकाल के फिर दूसरे वाले में डाल देंगे, और फिर वो आप दूसरे वाले से पूछेंगे आपको कि क्या दिख रहा है, मतलब लेफ़्ट राइट, और वो क्लॉकवाइज ही घुमा रहे थे, तो हमारे वाले में तो हमसे पहले भी जो गए हुए थे तो बहुत ईजिली बोल पा रहे थे कि वो क्लॉकवाइज घुमा रहे थे। और मेरे बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका 6x9 पार्शियल था, वो जो 6x9 पार्शियल तो बता दवा रहे थे, और 6x12 भी एक दो बच्चे ऐसे सुनने में आया कि वो भी देख पा रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका 6x6 था एक आँख में, और एक आँख में 6x12 जैसा था, लेकिन वो मैम के बैच में थी वो, लेकिन उसको 6x6 मैम 6x6 दिखा रहे थे, और वो 6x6 उसने देख लिया 6x12 होने के बाद भी। तो ऐसे आपको घबराना नहीं है कि मेरा 6x9 पार्शियल है या 6x12 है तो नहीं होगा। और किसी एक बंदे का 6x18 भी था, तो वो नहीं देख पाया, तो उसको फिर उसको बाहर भेज दिया गया, फिर हम लोग के साथ ही वो वेट कर रहा था। तो फिर इतना हो जाने के बाद सबका वैसे बारी बारी करके हो गया, जो एक दो बच्चे थे, एक और बंदी थी जिसका 6x9 वो नहीं देख पाई, वो 6x12 देख पाई थी। तो फिर 6x9 पार्शियल शायद उसका था, तो पता नहीं क्या था, लेकिन वो देख पा रही थी लेकिन उतना अच्छे से नहीं बोल पाई थी, थोड़ा नर्वसनेस के कारण शायद हो सकता है, बट उसका 6x9 ही है उसने बताया था, तो नर्वस हो गई थी शायद। तो ये होने के बाद फिर वो अपने केबिन, डॉक्टर अपने केबिन में चले गए, उसके बाद उन्होंने सारा शीट वगैरह कलेक्ट करवा के, और मेरे सामने उन्होंने 6x9 लिख दिया। फिर मैंने डॉक्टर को पूछा कि सर मैं मेरा क्लियर हो गया मेडिकल, डॉक्टर ने बोला हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, बट उन्होंने मेरे सामने ही उन्होंने 6x9 लिखा था उसमें शीट में, उसमें उन्होंने 6x9 लिखा, तो उसे पता चल गया कि आपका मेडिकल क्लियर हो गया है। और हाँ, उसके बाद ये आई टेस्ट में और एक टेस्ट होगा आपका, वो कलर टेस्ट था, तो ऐसे और ऐसे था, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चार कोनों में आपको कुछ लाइट्स, जैसे कटा हुआ चांद होता है ना, वैसे लाइट में आपको दिखाया जाता है, और वो बहुत, ट्रस्ट में बहुत इजी था वो, और अगर आप कलर ब्लाइंड नहीं हो तो आप इजीली वो कलर्स को देख सकते हो। तो वो एक जल रहा है, दो जल रहा है, वैसे करके वो पूछेंगे आपको, अब आप बहुत इजीली बता दोगे सर तीन जल रहा है, सर दो जल रहा है, सर ब्लू कलर है, ये कलर है। लेकिन कुछ बच्चों ने बोला कि उनको वाइट और ब्लू कलर देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपको, आप ट्रस्ट करना, आपको कुछ भी नहीं, सब इजीली समझ में आ जाएगा अगर आप कलर ब्लाइंड नहीं हो तो। उस वक्त मेरा कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट नहीं हुआ था, उसके बाद फिर मुझे मेरा ओवरऑल ये आई टेस्ट ना मेरा 5 मिनट से भी कम में हो गया, और फिर मुझे बोला ठीक है आप बाहर जाओ। फिर मैं बाहर बैठे, हम लोग सबको ही हो गया, फिर सर अपने केबिन में सर जो 1x1 करके बच्चों को बुला के प्रॉपर टाइम देके 10 मिनट से भी ज़्यादा एक एक बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट करवा रहे थे। तो अगर कोई कलर ब्लाइंडनेस है तो वो तो नहीं, बिल्कुल नहीं देख पाएगा वो, क्योंकि वो रैंडमली इतना बार बुक को पलट रहे हैं, ये क्या है, फिर एक बार पहले स्लो स्लो बोलेंगे, फिर और वो नोट डाउन कर रहे थे अपने शीट में कि कब क्या है नहीं है, और वो बोल पाया कि नहीं बोल पाया, वैसे करके बहुत टाइम ले के वो एक एक बच्चे को अच्छे से कलर ब्लाइंड वाला टेस्ट देख रहे थे, तो वो बुक पढ़ा रहे थे। तो फिर उसमें वो बहुत टाइम लेके उन्होंने पढ़ाया, वो होने के बाद फिर अब हम लोग, अब ऑलमोस्ट हो गया, शाम होने वाला था, उसके बाद फिर डॉक्टर ने हम लोग को बुलाया, और जो बुला के उन्होंने, हाँ फिर उन्होंने ना कुछ बच्चों का ना पैर फ्लैट फुट वगैरह चेक किया उन्होंने, तो 2-3 बच्चों को ना बोला कि ठीक है तुम होल्ड पे रहो, ऐसा करके उन्होंने बोला। फिर उन्होंने मुझे भी बुलाया, उन्होंने मेरा पैर फ्लैट फुट देखा, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है तुम्हारा ठीक है करके। इतना होने के बाद फिर हाँ, हम लड़कियों के लिए अगर कोई मेल डॉक्टर है तो वो आपको कोई फीमेल डॉक्टर को रेफ़र कर देंगे ताकि वो आपका फिज़िकल एग्जामिन कर सके। तो मुझे एक फ़ीमेल डॉक्टर के पास भेजा गया, तो फिर मेरी फ़ीमेल डॉक्टर ने मेरा बॉडी चेकअप बहुत आराम से किया, उन्होंने ऐसा कुछ सा चेकअप नहीं किया, उन्होंने बस ये पूछेंगे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा है, आपको कोई चेस्ट में लम्स नहीं है या कुछ नहीं है, ऐसे बस इन जनरल क्वेश्चन पूछेंगे, और कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके बॉडी में ना, तो सब मैं ऑब्वियसली नहीं, और वैसा करने के बाद उन्होंने लोअर एब्डोमेन ने वो प्रेस करके उन्होंने मुझे लेटाया, और उन्होंने लोअर एब्डोमेन में बस प्रेस
पेट में प्रेस करके पूछा कि कुछ दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा है ना, तो नहीं हो रहा था, तो फिर हो गया मेरा। फिर उसके बाद फिर हम लोगों को ओवरऑल सबका होने के बाद 3-4 बच्चे थे जिनका, फिर वो बंदी जो नर्वस हो गई थी, नहीं बता पा रही थी उस वक्त ठीक से, फिर उस बंदी को डॉक्टर सर लेके गए और फिर उन्होंने फिर उनका चेकअप किया। तो उस वक्त उन्होंने करेक्टली बोल दिया 6x9 का, वो थोड़ा बच्चे नर्वस हो गए थे उस वक्त। फिर उन्होंने प्रॉपरली टाइम देके उन्होंने सेकेंड टाइम बुला के फिर उन्होंने चेक किया, तो फिर सेकेंड टाइम बंदी का हो गया। फिर सबका हो चुका था और एक दो बंदे थे ना जिनका वो नी जॉइंट रहता है ना कुछ कुछ, तो वैसा वाला सिचुएशन में उन लोगों को बोला गया कि, और एक दो थे जिनका आई 6x18 या 6x12 से ज़्यादा था, तो उन लोगों को नेक्स्ट डे बुलाने को बोला और हमें बोला कि आपका हो चुका है, आप जाके बस साइन कर लो। तो एक रजिस्टर बुक था जिसमें आपको साइन करना था, तो 3 जगह साइन करने थे, तो 3 जगह साइन में हाँ साइन और स्लैश और थम लिखा हुआ था। तो हम लोग ने बोला थम भी लगाना है क्या, जो वहाँ पे एक स्टाफ थे उन्होंने बोला कि नहीं थम नहीं लगाना है, बस तुम साइन कर लो। 3 जगह हमने साइन कर लिया और फिर हम लोग को बोला ठीक है आप तुम लोग जा सकते हो। फिर हम लोग अपने अपने घर आ गए। फिर हमें तो इतना ही था मेडिकल बेसिकली, तो आई चेकअप में आपको टेंशन लेना नहीं है और अगर और चलना फिरना ये सब तो आप लोग का नॉर्मली होगा ना, फ्लैट फुट वगैरह आपका चेक करेगा तो ये है, और सुनना वगैरह वो आपको धीरे से बोलेंगे डॉक्टर, ताकि आप वो समझ कि आप सुन पाते हो गए नहीं। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट बहुत अच्छे से लिया गया था। अगर आप 6x9 पार्शल भी हो ना तो भी आप टेंशन में, मैंने अपने अपने बैच में ही बहुत सारे बच्चों को देखा 6x9 पार्शल भी थे फिर भी वो देख पा रहे थे, और मेरे तो दूसरे बैच में मेरी जो फ्रेंड थी वो तो 6x6 थी एक आँखों में और एक आँखों में 6x12 थी, स्टिल उसको 6x6 दिख गया, मैम 6x6 दिखा रहे थे उसको 6x6 दिख गया। तो फिर आप बिल्कुल टेंशन लेके मत जाना कि नहीं देख पाऊँगा या कुछ होगा, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब अच्छा होगा, पॉजिटिव रहना और अच्छे से जाना और अच्छे से देना बिल्कुल। और बीपी का भी, हमारा बीपी भी चेक हुआ, तो कोई नॉर्मल स्टाफ होते हैं ना हॉस्पिटल के स्टाफ, वो स्टाफ आके ही चेक कर रहे थे। तो एक दो बच्चे का ना हमारा तो नॉर्मली आया, जैसे 137-140 ऐसा भी आएगा तो वो नॉर्मली उस चीज़ को उतना वो नहीं करते, हाईलाइट नहीं करते हैं, और 95 ऐसा भी आएगा तो फिर सॉरी 90, 85, 87, तो अगर जिनका साथ ज़्यादा रहता है ना, तो मेरे एक फ्रेंड का वहाँ पे एक बच्चा था उसका ज़्यादा आ गया था, तो फिर उसको वेट करने के लिए बोला और फिर उसको बोला कि थोड़ी देर बाद गया वो, तो उसका नॉर्मल हो गया। तो हमारे में ऐसा कोई नहीं था जिसका बीपी का कोई प्रॉब्लम होगा, एक्सरे का भी नहीं था किसी का प्रॉब्लम। मैंने पूछा था एक वो एक्सरे जो कर रहे थे उनको, उन्होंने बोला कोई एक बंदा है जिसका कुछ स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बस मेरे सामने एक दो बंदा को मेरे बैच में जिसको मैंने देखा, एक दो बंदा को रोका जिसका आँख में प्रॉब्लम था थोड़ा, वो 6x9 नहीं था तो उनको रोका गया था, और एक एक बंदा को पैर के लिए भी रोका गया फिर, लेकिन मेरा बाद में उससे बात हुआ तो पैर वाले को फिर अप्रूवल मिल गया था, मतलब उसको क्लियर कर दिया, क्योंकि शायद थोड़ा वो हेल्दी था बंदा ना, तो इसलिए थोड़ा पैर में कन्फ्यूजन हो गया होगा। बस कुछ भी डरने वाली चीज़ नहीं है और बहुत कॉन्फिडेंट होके आप जाओ, सब अच्छा होगा। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर 15 days बाद हमें वापस से कॉल आया, सिर्फ हमारे बोर्ड वाले को हमें वापस से कॉल आया और हमें बोला गया कि आपको ये आपको वापस से आना है। मुझे आया सबसे पहले कॉल, तो फिर मुझे बोला कि आपका फिज़िकल टेस्ट नहीं हुआ है, तो क्योंकि मुझे मेरी डॉक्टर को जो भेजा था उन्होंने, वो डॉक्टर ने अच्छे से चेक नहीं किया था, तो फिर उन्होंने बोला कि आपको फिर आना पड़ेगा। फिर कॉल आया कि हमने थम इम्प्रेशन नहीं दिया है तो इसलिए आना पड़ेगा। तो हमारे हॉस्पिटल में जितने भी बच्चे आए थे सबको वापस जाना पड़ा, तो फिर हम वापस से गए, थम दिया, फिर मेरी फीमेल डॉक्टर ने मेरा बॉडी चेकअप किया और फिर उसके बाद फिर हो गया अप्रूवल, फिर डॉक्टर से मिले वगैरह, डॉक्टर ने बोला हाँ अब हो चुका है सब चीज़। फिर डॉक्टर ने मुझे चला के देखा, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर ने फीमेल डॉक्टर ने मेरा अच्छे से चेकअप नहीं किया था, वो था कि आपको फुल बॉडी को एग्जामिन करना है, तो उस वक्त फीमेल डॉक्टर ने नहीं किया था, लेकिन इस वक्त जब मैं गई वापस से रिटर्न, तो इस वक्त अच्छे से फीमेल डॉक्टर ने मेरा अच्छे से चेकअप किया इस बार। उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला अच्छा हो गया, फिर हम लोगों को छोड़ दिया गया। तो सारे बच्चों को 15 डेज के बाद कॉल आया और उस हॉस्पिटल में जितने भी बच्चे थे सब बच्चों को वापस से जाना पड़ा। तो
ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए दुखी वाली बात थी कि इतना वापस से आके जाना पड़ा था। तो इतना ही था मेरा एक्सपीरियंस। तो अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो आई एम रियली सॉरी। मुझे अगर कुछ भी आपको बुरा लगा हो, अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन और चाहिए होगा तो आप कमेंट करना, मैं जितना हो सके उतना का रिप्लाई कर दूँगी। एंड थैंक यू सो मच। और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना, सब सबके सब पास हो जाओगे, टेंशन मत लेना, सब गुड गार्ड्स बनोगे।